डूडे के हेल्थ को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, रामेश्वर डूडे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ब्रेन हेमरेज के बाद लगातार रामेश्वर डूडे कोमा में है। SMS अस्पताल के न्यूरो ICU में उन्हें एडमिट किया गया है। रामेश्वर डूडे का कल ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी किया गया था। डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने उनका ऑपरेशन किया था। डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया है कि कल ब्रेन से ब्लड क्लॉट को निकाला गया था, लेकिन तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें SMS अस्पताल पहुंचाकर वहां पर इलाज दिया गया, जहां पर सर्जरी की गई और बड़े बड़े जो चिकित्सक थे वो उस दौरान सर्जरी में मौजूद रहे। न्यूरोसर्जन्स जो डॉक्टर्स के टॉप पैनल की टीम होती है, उन्होंने रामेश्वर डूडे के सर्जरी किए और इसके बाद उन्हें अब ICU में शिफ्ट किया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। रामेश्वर डूडे के हेल्थ को लेकर इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऑपरेशन के बाद से ही वो लगातार कोमा में है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है और डॉक्टर्स का कहना है कि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर लगातार जारी है। कल से ही लगातार रामेश्वर डूडे के ठीक होने के लिए कामना किए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी ट्वीट करके लोग ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडे बिल्कुल ठीक हो जाए, पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर रामेश्वर डूडे कौन है, जिनके लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडे रह चुके हैं, एक कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। कांग्रेस में एक लंबा वक्त उन्होंने दिया है। जब वो बीमार हुए, अस्पताल पहुंचे, तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, उनका हाल जाना और लगातार उनके हेल्थ को लेकर CM खुद नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम के साथ भी उन्होंने बातचीत की और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें वो इलाज दे दिया जाए, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और यही वजह है कि तुरंत ये फैसला लिया गया कि रामेश्वर डूडे का सर्जरी किया जाएगा। हालांकि सर्जरी के बाद भी अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सर्जरी को कई घंटों का वक्त बीत चुका है, अभी भी स्थिति नाजुक है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हेल्थ को लेकर अपडेट बताइएगा जरा। जी, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है कि रामेश्वर डूडे जल्द स्वस्थ होंगे और न केवल डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं बल्कि लोगों की दुआएं भी बहुत है उनके साथ में। लाखों लोग जो है उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा ऑल इंडिया में। कल से रामेश्वर डूडे की सेहत को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं और बीकानेर से लेकर जयपुर तक और पूरे राजस्थान में जहां भी लोग रामेश्वर डूडे को जानते हैं, सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। वो M2 एक्सटेंशन में है, जो कोई ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता सेहत के लिहाज से, लेकिन डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कल उनकी सर्जरी हुई है वो कामयाब रही है। वक्त लग सकता है लेकिन रामेश्वर डूडे बाहर निकल आएंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। मेरे साथ में लोग हैं जो उनकी खैर ख्वाह जानने के लिए आए हैं, उनकी सलामती प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए वैसे? बीकानेर लोखा से। उनके लिए किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि डूडे साहब जल्दी ठीक हो जाएं? भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे नेता रामेश्वर जी डूडे जल्दी से जल्दी ठीक होकर जनता के बीच में पधारे। जी, आप भी बीकानेर से आए हैं? बीकानेर से। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नेता जल्दी से जल्दी ठीक हुए। रामेश्वर डूडे जो है वो लोगों के दिलों के बहुत करीब थे और बहुत सादगी वाले नेता हैं और जहां भी वो जाते हैं तो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ते हैं और लोगों को अपना बनाने की उनकी शैली है। बनावटी इंसान नहीं है, जिस तरह के राजनेता आज के दौर में देखने को मिलते हैं वैसे रामेश्वर डूडे नहीं है। यही वजह है कि जिनको भी जो भी उनसे जुड़ाव महसूस करता था, जिनको भी खबर मिली, वो दौड़े चले आ रहे हैं, खासतौर से नौखा और बीकानेर के इलाके से बड़ी संख्या में लोग आए। प्रधान रहे हैं रिदकरण चौधरी जायल से, कल से यहीं जमे हुए हैं। क्या उम्मीद है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं साहब ठीक है, डॉक्टर के हिसाब में लोग भी कि भाई अब ठीक हुई जी, मांगी मन में है कि भाई ठीक हुई जी। और मंजुड़ा नेता है साहब, समाज का भी है, आम आदमी का भी, कम MP रहेगा, प्रमुख रहेगा, प्रधान रहेगा, हर लोगों का संपर्क है और हर लोगों के दर्द है कि रमेश जी ठीक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत याद आते हैं, आपको लगते हैं कि डूडे साहब बीमार हो ही नहीं सकते, इतना सेहत का ख्याल रखते थे वो, बड़ा मजबूत। मैं को ना कुछ सोचे ही को नहीं है कि यहाँ की एकदम यहाँ हुई कहीं। मैं तो कल जुए आयो ना वार सेवा मेरे और में
मेरे को मेरे पर टू दौर आया वो एकदम खाई हुको, हालांकि मैसेज आया चार आपने तेना लगा जीवा लोगों ने ठीक हो गए ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हो गो। तो कल से आप लोग यहीं जमे बैठे हैं उनके लिए, कल सुबह से यहीं बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। डूडी साहब के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हुए और हमारे सबके बीच में आए, ये हमारी मनोकामना सब प्रदेशवासियों और भारत देश के जितने भी है प्रसन्न डूडी साहब के लिए वो ये है कि है ना जल्दी से जल्दी सबके बीच में आए। बड़े ही मकबूल नेता हैं और बहुत लोकप्रियता जो है उनकी सर चढ़ कर बोलती है लोगों के। बाबूलाल एक लोकप्रिय नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, और शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसा कुछ उनके साथ होगा, और यही वजह है कि लोगों को एक बड़ा झटका भी लगा है। हालांकि जैसे ही लोगों ने इस खबर को सुना बाबूलाल, तुरंत दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जैसा कि आप बता रहे थे कि ट्विटर पे भी कल से लगातार ये ट्रेंड कर रहा है जहां पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही हैं। बाबूलाल, क्योंकि अचल शर्मा के निर्देशन में कल सर्जरी किया गया, क्या उसे लेकर अपडेट है आपके पास? डॉक्टर से आपकी बात हो पाई? क्योंकि 17 एमएम का डैमेज हुआ है मिड ब्रेन में, आमतौर पर 10 एमएम का होता है। ऐसे में सर्जरी के बाद कितने देर के बाद जो पेशेंट है वो कोमा से बाहर निकलता है, क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं, क्या इसे लेकर बात हो पाई आपके डॉक्टर से? जी देखिए, अगले दो चार दिन बहुत क्रूशियल है उनकी जिंदगी के लिए, लेकिन जिस तरह का जज्बा उनमें है तो डॉक्टर्स भी यकीन मान के चल रहे हैं, और ये जो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं इनको भी लगता है कि उनमें वो जीवटता है कि वो इस दौर को भी मात दे देंगे और बाहर निकल करके आ जाएंगे। जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई वो बता रहे थे कि M2 एक्सटेंशन में है इस वक्त वो, और यानी कि इसमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है और अब जो है दुआओं की जरूरत है उनको, तो माना यही जा रहा है कि रामेश्वर डूडी के लिए जिस तरह से मेहनत की है डॉक्टरों ने, और डॉक्टर पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि वो निकल जाएंगे, वक्त लग सकता है, वक्त कितना लगे, दो चार दिन में भी उनको होश आ सकता है, वो कोमा से बाहर आ सकते हैं, 15-20 दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा वक्त भी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से डूडी को जाना जाता है, जिस तरह से उनमें चैलेंज से जूझने की क्षमता है, उससे देखते हुए यही लगता है कि वो इस दौर को भी पार कर जाएंगे और मौत को मात देकर फिर उसी तरह से अपनी जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे लाखों लोग खड़े हैं और वो जिस गांव देहात की राजनीति करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि उनके लिए बहुत जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूरत है खासतौर से डूडी की। इस वक्त चुनाव में पार्टी के लिए दिन रात कर रहे थे, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ में ये घटना पेश आई है। लेकिन जितने भी लोग हैं आप देखिएगा कि ICU के बाहर खड़े हैं, लोगों ने कल शाम का, कल दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा, और लोग जब तक यहाँ पर डटे रहेंगे आप देखिएगा, जब तक वो भर्ती हैं इस अस्पताल में, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, लोग जाने वाले नहीं है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके मन में जो बात थी मैं पहले बता रहा था वही जबान पे रखी उन्होंने। दुश्मन कोई नहीं उनका राजनीति में भी, वो अजात शत्रु कहे जाते हैं, लेकिन अपनी जिद के पक्के हैं, धुन के पक्के ऐसे इंसान हैं जो लोगों को अपना बनाना जानते हैं और हमेशा से लोगों का भला करते आए हैं, चाहे वो जिला प्रमुख रहे हों, चाहे सांसद रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, जहां भी उनको जिम्मेदारी मिली रामेश्वर डूडी ने अपने आप को प्रूव किया है। यही वजह है कि यही जुड़ाव जो है डूडी का वो लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है रामेश्वर डूडी ने बाबूलाल, और यही वजह है कि आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।